हेलो फ्रेंड्स, रिया के सॉरी बाबू कहने के पीछे क्या कोई कहानी है? क्या रिया सॉरी बाबू ये शब्द किसी कोड वर्ड के जैसे इस्तेमाल करती है? हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि सुरजीत सिंह ने कहा था कि रिया जब सुशांत को मिलने गई थी तब उसके मुंह से निकला था सॉरी बाबू। क्या ये शब्द सॉरी बाबू में कोई राज छुपा हुआ है? आपको बता दूं कि रिया की एक फोटो है जो 2018 की है, जो बहुत ही वायरल हो रही है। अगर आप इस फोटो के नीचे कैप्शन में देखें तो आपको वहां पे लिखा मिलेगा #sorrybabu, #sorrybabu, जो बहुत ही वियर्ड है। ये फोटो 2018 की है, जब रिया सुशांत को मिली भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, रिया चक्रवर्ती ने दो बार सॉरी बाबू क्यों लिखा? सॉरी बाबू क्या किसी गैंग का नाम है या कोई कोड वर्ड है जो रिया यूज करती है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप रिया के इंस्टाग्राम पोस्ट देखेंगे तो वहां आपको क्रिप्टेड मैसेजेस दिखेंगे। इससे ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती क्रिप्टेड मैसेजेस और कोड वर्ड्स यूज करना बहुत पसंद करती थी। तो फ्रेंड्स, रिया का ये वर्ड सॉरी बाबू, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताइए।